अब दिव्या के साथ तो ऐसा है कि आज से 10 साल पहले हम लोग एक कास्टिंग कर रहे थे, तो हम लोग दिल्ली में हमने एक ऑडिशन किया था, तो हमने दिव्या मैम को वहीं पे, फर्स्ट टाइम दिव्या को हमने वहीं पे देखा था, और हमने आज से 10 साल पहले दिव्या को हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो एक फाल्गुनी पाठक का गाना था उसमें, तो इट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट बिकॉज़ फिर दिव्या ने गाना हुआ, उसके बाद दिव्या ने शादी कर ली, फिर उसके बाद वो डायरेक्टर बन गई थी। तो फिर भूषण जी ने कहा कि हम लोगों ने भी गाने करने बंद कर दिए थे, फिर हमने जब गाने करने शुरू किए तो भूषण जी ने कहा कि दिव्या वापस आना चाह रहे हैं एक्टिंग में। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने उनको इंट्रोड्यूस भी किया था, हम री इंट्रोड्यूस भी करेंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिर हमने, फिर भूषण जी ने कहा हमारा ही एक पुराना गाना था याद पिया की आने लगी, तो उन्होंने कहा उसको हम वापस से करते हैं। तो एंड सो हमने कहा वी वुड लव टू कास्ट दिव्या इन दैट सॉन्ग। तो फिर वहाँ से फिर वापस से सफ़र शुरू हुआ। तो फिर इंट्रोड्यूस एंड री दोनों हमारे, एंड इट वॉज सच अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस टू वापस से दिव्या के साथ करना। मैडम बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सो कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं गाने को लेकर, एंड अब हम देख रहे कुछ 2-3 दिन हुए हैं एंड कुछ समथिंग 35 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका है, कुछ कहना चाहेंगे आप? वी आर जस्ट हैप्पी दैट पब्लिक लाइक्स वॉट द वर्क वी डू. वी आर फील ब्लेस्ड. अब तो हैप्पी, और डर तो रहता है जब भी कोई रिलीज होती है कि इट शुड डू वेल एंड इट शुड मेक सेंस टू द पब्लिक एंड दे शुड लाइक वॉट वी डन. सो इट्स वेरी नाइस टू सी द वे देव एक्सेप्टेड दिव्या एज अ फेस, एज एन एक्ट्रेस एंड द अपील दैट शी हैज़, एंड गाना अच्छा कर रहा है. गाना तो बहुत वैसे ही खूबसूरत था, ऑडियो उसकी ऑडियो ही बहुत अच्छी थी. तो एंड जब पूरी कहानी बनाई एंड सब लोगों को पसंद आई तो ऑब्वियसली वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड सर जो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है जो मैंने वीडियो में देखा कि जिस तरह से प्यार में दर्द होता है एंड जिस तरह से वीडियो को किया गया है, वो कैसा लगा आपको? फीचर जो किया गया है वो वीडियो कैसा लगा आपको? ये जो ब्यूटीफुल मैसेज है वो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सी क्या हुआ था, जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हम लोग सब अपने अपने घरों में थे, तो भूषण जी का एक दिन फ़ोन आया कि मेरे पास अच्छे गाने हैं तो आप कुछ सुनना चाहेंगे. तो हमने कहा हाँ करेक्ट है. हम उनके घर पे गए तो उन्होंने कहा आप कौन सा गाना. तो हमने जैसे ही उन्होंने बेशरम बेवफा गाना बजाया, तो हमने कहा, मतलब मैंने और राधिका जी ने बोला कि यार हमसे जो जो लेखक है उसने मतलब बेवफाई का मतलब एक 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 अजब ही सा अंदाज है कि बेशरम बेवफा है, यू नो. तो हमने कहा कि आई थिंक ये मुखड़ा इतना अच्छा है कि वी वुड लव टू डू इट, यू नो. बट जब हम वापस गए और हम भूषण जी को हमने वापस कहा कि बट जब हम लोग देखते हैं और सोचते हैं उस गाने के बारे में, तो हालांकि गाना लड़के ने गाया है, तो बेशरम बेवफा तेरा की हाल है, बट हम देखते हैं एज फिल्म मेकर्स एज डायरेक्टर्स कि वो एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, यू नो, कि एक लड़की कह रही है एक लड़के को कि बेशरम. तो हमने ऑलमोस्ट गाने को अपने हेड पे टर्न कर दिया और एज डायरेक्टर्स हमने कहा हम तो ये देख नहीं रहे कि लड़का किसी लड़की के बारे में कह रहा है, हम सोचते हैं हमें दिख रहा है कि एक लड़की लड़के के बारे में कह रही है. तो ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड, वो हमेशा हमारी कहानियों को सपोर्ट करते हैं. और जब हमने फिर ये अब जो आप कह रहे हैं कि अब 35 मिलियन 3 दिन में हुआ है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो डर लगा रहता है कि जब आप एकदम ही ड्रास्टिक डिसीजन ले रहे होते हैं एज डायरेक्टर्स के हम बॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू को गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू में लाएंगे, बट अभी जब 35 मिलियन हुआ लोगों को पसंद आ रहा है तो आई थिंक इट्स हैप्पी हैप्पी जोन. आपने मैसेज के बारे में पूछा था. यू सी व्हेन वी वर ऑल्सो लिसनिंग टू द सॉन्ग वी बोथ आर वेरी पॉजिटिव पीपल. हम क्योंकि गाना इनहेरेंटली बहुत ट्रेजिक है, पर हम दोनों बहुत पॉजिटिव लोग हैं एंड गाना रियली प्यार में जो दुख होता है उसके बारे में बात करता है, यू नो, ऑल द टाइम कि शख्स बदलते रहते हैं, चादर बदलती रहती. तो ऑब्वियसली उस गाने में ही इनहेरेंटली इनफिडेलिटी की कहानी लिखी गई थी. पर हमने हमेशा सोचा कि जब स्पेशली लॉकडाउन में हम लोग बात कर रहे थे, एवरीबडी वॉज सो डिप्रेस्ड एंड पीपल वर मेंटली वेरी डिस्टर्ब्ड गोइंग थ्रू वेरियस स्पेसेस,
But the whole idea is at that time, if somebody comes to help you, if you communicate, you talk to your friends, you open up about your problems, वो जो लास्ट में वो बोलती है ना, उस वक्त बस रोकने वाले की ज़रूरत थी. तो बस वही हम लोगों का थॉट था कि कितनी भी डिप्रेशन क्यों ना हो, हम नहीं चाहते थे कि ये कहानी एक नेगेटिव नोट पे एंड हो, एक पॉजिटिव नोट पे एंड हो. कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको कोई साथी मिल जाए या वो एक सेकंड आपको रोक दे, कोई भी आप कोई स्टेप लेने जा रहे हो बहुत डिप्रेशन में, सुइसाइडल थॉट्स हैं या कुछ भी हो, सुइसाइड ही नहीं, कोई भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ हो और उस टाइम पे लगता है कि कोई होप नहीं है, पर कोई एक बंदा आ जाए या किसी बंदे से बात कर लो आप, जो आपको थोड़ी सी होप दे दे, और बस वो एक मिनट आप क्रॉस कर दो, फिर लाइफ नॉर्मल हो जाती है. सो दैट वाज द बेसिक आइडिया कि कोई बंदा आपकी लाइफ में आए जो एक बेशरम बेहया इंसान है और आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके जाए, फिर भी इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ रेनबो एट द एंड ऑफ द स्टॉर्म, यू नो. सो देर इज़ अ काम एट द एंड ऑफ द स्टॉर्म. सो दैट वॉज द बेसिक आइडिया एंड वी वॉन्टेड टू गिव दैट पॉजिटिव मैसेज थ्रू दिस सॉन्ग, स्पेशली पोस्ट लॉकडाउन, यू नो. एंड सर, जिस गाना तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसके अलावा हमने सुना है कि कुछ आप लोगों के प्रोजेक्ट भी, फिल्म भी आ रहे हैं, तो कुछ अगर बताना चाहें. हमने सुना है कि दिव्या जी के साथ में कुछ एक फिल्म का भी कुछ एसोसिएशन है. मुझे आप बताइए, क्योंकि आप सामने हैं इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया. बट हम लोगों का अब हाँ अब मतलब ऑब्वियसली जब आप किसी आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, क्योंकि दिव्या के साथ, जैसे मैंने कहा, हमने पहले भी इंट्रोड्यूस भी हमने ही किया था दिव्या को अच्छे कुछ साल पहले. और जब अभी ये बैक टू बैक हिट्स आते हैं, रियाद पिया की आने लगी, तेरी आंखों में, फिर अभी ये बेशरम बेवफा, तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट के साथ आपकी एक केमिस्ट्री बनती है और एक आर्टिस्ट के साथ आपका वो बनता है, एंड वो आर्टिस्ट आपको इंस्पायर करता है कहानियाँ बोलने के लिए और कहानियाँ दिमाग में आती हैं. तो हाँ, अब कुछ एक प्लान तो कर ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ होएगा, बट अभी मुझे लगता है एक अपॉर्चुन टाइम पे ही अनाउंस करेंगे कि क्या जो भी हो रहा है. बट हाँ, ऐसा कुछ मुझे, वी लव टू डू अ फिल्म विद हर एंड लेट्स सी, आई होप इट हैपेंस. जी सर, जब वो अनाउंसमेंट करेंगे हमसे, हमारा इंतज़ार तो रहेगा ही, लेकिन इतना बस जानना चाहेंगे कि वहाँ भी ऐसे कोई एक ब्यूटीफुल मैसेज लेकर आप लोग प्रेजेंट होने वाले हैं, जैसे आप हमेशा से आते हैं मैडम. वो तो आपको जब पिक्चर रिलीज़ होएगी, पहले तो हमें देखना है कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं. वो जब बनेगी, जब अनाउंसमेंट आएगी, तो यस, जब जो भी फिल्म करेंगे वो हम लोगों की एस्थेटिक की रिफ्लेक्शन ही होगी, कुछ अच्छी मैसेज होगी, म्यूजिकल होगी. बट हम लोगों ने क्या था, मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्या था कि हम लोगों ने बीच में, हम पहले बहुत सारे गाने करते रहे हैं हम लोग का उसमें, यू नो. तो फिर हम लोग बीच में, मैंने आशा भोसले जी, जगजीत सिंह जी, पंकज, ये सब हमारा एक जहाँ नुसरत, तो एक जर्नी रही है गानों की, यू नो. तो बीच में हमने गाने करने बंद कर दिए थे, तो वही फिर हमने भूषण जी से वही कहा था कि अब मतलब कोई भी बोलता है कि हमारे, अगर हम बात करते हैं कि कोई गज़ल सिंगर, तो वही बात करते हैं, वही जगजीत सिंह जी, पंकज उदास जी, तो मतलब क्या है. और या भजन सिंगर की बात करते हैं, तो वही हमने जो पुराने अनूप जलोटा जी और वही सब, या कोई डांडिया सिंगर की बात करते हैं, तो वही हमने जो फाल्गुनी पाठक की, तो इसका वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका मतलब है कि हमारी 1 बिलियन की आबादी है, इतने म्यूजिशंस हैं, तो मतलब कोई है ही नहीं आजकल के ज़माने में, कि मतलब वही हम, वही जगजीत सर और वही जो हमारे पुराने गाने हैं उन्हीं की बातें करते हैं. सो वही हमने कहा, फिर हमने कहा अगर भूषण जी से, वही हमने कहा कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वी वुड ऑल्सो लाइक टू कम बैक एंड डू, कि हम एक नए लोगों को चांस देंगे, नए नए कंपोजर्स, नए नए सिंगर्स और नए लोगों के साथ करेंगे, तो आई एम श्योर वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग नए गज़ल सिंगर, नए भजन सिंगर्स, नए पॉप सिंगर्स नहीं कर सकते हैं, यू नो. और तो भूषण जी तो बहुत काइंड है, वो तो हमेशा न्यू कमर्स को सपोर्ट भी करते रहते हैं. तो फिर इसीलिए हम लोग ने फिर एक, हम लोग एक कोई म्यूज़िक शो को जज करने गए थे, सो देन वी सॉ एन आर्टिस्ट ओवर देयर, तो एक यंग सी लड़की थी, तो हमने कहा इसके साथ में हम अपना ट्राई करते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट ये ठीक भी होता है कि नहीं होता है. सो देन वी पिक्ड अप ध्वनि मानुशाली करके उनका, तो फिर हमने उनके साथ किया था, हमारा ही एक पुराना गाना है जिसको रीमिक्स किया था, ले जा रे करके नाम था, इट बिकेम अ वेरी बिग हिट. उसके बाद फिर हमने उनके साथ वास्ते करके गाना किया था, विच वेंट ऑन टू बिकम
1 बिलियन व्यूज और इस साल इस कंट्री का मैंने हाँ सबसे बड़ा गाना बन गया है. सो दैट इज़ वॉट जो ये बेशरम बेवफा तेरी आंखों में याद पिया क्या लगे ये सब जो जर्नी राधिका जी और मैं कर रहे हैं भूषण जी के साथ में इट इज़ जस्ट टू सी दैट कि हमारे देश में नए सिंगर्स नए टैलेंट ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लेजेंड्स थे उनके साथ में हम कोई नए आ ही नहीं सकते हैं नो. सो एक नई शुरुआत है हमसे जो इस बारी हम लोगों ने साथ में की है तो अच्छा लग. तो ध्वनि इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट जो हमने लॉन्च किया था अभी लास्ट ईयर वो अब विच इज़ शी इज़ वेरी सक्सेसफुल अभी यू नो ये इसके साथ में फिर दिव्या जी के साथ में फिर ये अभी जो हमने किया दिव्या के साथ में याद पिया क्या लगी ये सर तो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स देयर अ वेरी गुड कंपोजर मनन करके जिन्होंने हमारा पहला गाना किया था तेरी आंखों में इज़ ऑल्सो अ फ्रेश न्यू कंपोजर यू नो इज़ ऑल्सो वेरी गुड. सो ये जो जर्नी कर रहे हैं अब ये हिट्स होते हैं पब्लिक को अच्छा लग रहे हैं सारे के सारे तो आई थिंक वहाँ हम जा रहे हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं कि एक हमारे देश के जितने नए सिंगर्स हों टैलेंट हो यंग उनके साथ उनको एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म के साथ में आए हम लोग. जी जी सर अगला यही मेरा अगला सवाल था. आपने भी जैसे कि बताया सर जिस तरह से आप लोगों ने बात की आपने डिकेड्स पहले नुसरत फतेह अली खान एंड पंकज उदास जी अनूप जलोटा जी एंड आप जो फाल्गुनी जी जगजीत सिंह सर एंड आशा भोसले जी नाउ जो यूथ है आप उनके साथ में भी अब आप काम कर रहे हैं रवि भानुशाली जी के साथ नाउ हम देख रहे हैं दिव्या मैडम जी फिर से आई हैं आप लोगों ने भी ब्रेक लिया है ये जो इतनी बड़ी सर जो जर्नी रही है इसे कैसे देखते हैं सर आप लोग एंड मैडम एंड अब हम देख रहे हैं कि अगेन ब्रेक लेने के बाद अगेन आप लोग जो है समय के साथ फिर आप लोग चल रहे हैं एंड फिर वो गाने हिट हो रहे 1 बिलियन गाना फिर हिट हो गया एंड कुछ टाइम के भी गाने जो आते थे हिट हुए ये जो आप लोग समय के साथ भी चल रहे हैं ये जो जर्नी है सर इसे एंड मैडम कैसे देखती हैं आप लोग. मैं इतना नहीं काउंट करती हूँ कि समय के साथ हम चलते हैं मुझे हमेशा लगता है कि अच्छी कहानियाँ किसी भी समय में चलती हैं. सो दैट गोज़ ऑन टू प्रूव कि मेलेडी जब अच्छी होती है गाने अच्छे होते हैं उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और कहानी आप दिल से बोलते हो तो वो 10 साल पहले भी वही इम्पैक्ट आती है जो अभी इम्पैक्ट आती है. तो ऐसी कोई जनरेशनल हमें तो कोई इतनी कोई जनरेशनल चेंज नहीं लगती. कपड़े बदलते हैं फैशन्स बदलते हैं थोड़ी सी टेक्निक बदलती है टेक्नोलॉजी बदल जाती है बट मेलेडी वही रहती है. अच्छी मेलेडी की वही वैल्यू थी 10 साल 12 साल पहले जो आज है एंड अच्छी कहानियों की वही वैल्यू है. लव स्टोरी तो लव स्टोरी होती है प्यार तो वही होता है बस 15 साल पहले भी और अभी भी. बट एज डायरेक्टर्स एंड एज स्टोरी टेलर्स हमेशा वो रहता है कि आपकी कहानियाँ या आपका जो कहना चाह रहे हैं वो अब नई जनरेशन वो सुनना भी चाह रही है वो कहानियाँ कि नहीं सुनना चाह रही है. सो जब आप फिर उस कहानी कहते हैं अब तो एज डायरेक्टर्स एक बड़े हार्टनिंग सा लगता है कि अरे वाह तो जो कहानी हम जैसा आपने कहा हम तो फाल्गुनी पाठक के उस टाइम पे भी यंग लोगों के लिए कहानियाँ कहते थे तो वो भी अब क्या आज के यंग लोग कहानी सुनना चाहेंगे. तो जब हमारी जब इतना अच्छा लगता है तो लगता है वेरी नाइस यार तो हमारी कहानियाँ अभी भी बच्चे सुनना चाहते हैं यंग लोग सुनना चाहते हैं एंड यंग ऑडियंस सुनना चाहते हैं. When and I also do very clean stories and very clean visuals, you know. उसमें जो कहते नहीं आजकल का कि जनरेशन बदल गई है वो ज़्यादा यू नो रेसी कॉन्टेंट देखती है एंड बहुत ओवर्ट कॉन्टेंट देखती है उनको प्यार के प्योर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म लाइक वास्ते वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं उनको यू नो विद लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल कप विच जस्ट गोज ऑन टू प्रूव कि यू नो द ऑडियंस इज द सेम दे स्टिल लाइक क्लीन कॉन्टेंट दे स्टिल लाइक फैमिली ओरिएंटेड कॉन्टेंट यू नो जो पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है अ सॉन्ग लाइक वास्ते और अ सॉन्ग लाइक याद पिया क्या विच वॉज जस्ट एक्चुअली अ लव स्टोरी बिटवीन अ रोबोट एंड अ गर्ल यू नो तो इट जस्ट गोज ऑन टू प्रूव दैट. इनफैक्ट इस जब हम लोगों ने अभी कर रहे थे ना काम फाल्गुनी के साथ अपना ध्वनि के साथ में तो एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि यू नो कि हम तो क्योंकि हमने ध्वनि का करियर जो लॉन्च किया था वो एक रीमिक्स गाने के साथ में किया था तो बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि पुराने गानों को रीमिक्स नहीं करना चाहिए ये उनकी इंसल्ट है तोहीन है ये है वो है लटरम पटरम.
सो जिसके लिए अब हमने तो किसी और के गाने की नहीं, हमने अपने ही गाने माने ले जा रहे भी पुराना हमने ही किया था और याद पिया की भी हमने ही किया था. तो बट उसमें क्या हो जाता है, तो व्हाट वी रियलाइज्ड इज दैट जो हमारा ओरिजिनल ले जा रहे था वो कुछ 100 मिलियन व्यूज़ पे था, अब जो नया ले जा रहे हैं वो अराउंड 800 मिलियन व्यूज़ है. याद पिया की आने लगी जो हमारा पुराना था विच इज़ एट 90 मिलियन और समथिंग, नया याद पिया की आने लगी 500 मिलियन व्यूज़ है. सो कहने का मतलब ये है, हाँ वास्तव. सो जो रीमिक्सेस भी होते हैं ना उनको मुझे हम लोगों को लगता है कि एक एक नई ऑडियंस है विच इज़ जो सुनना चाहती है पुराने गानों को. बट इट जो रीमिक्सेस करते हैं वो एक ये नहीं होना चाहिए कि एक चीप अटेम्प्ट होना चाहिए कि फास्ट मनी बना लो ये बना लो. बट अगर पुराने गानों को एक सीरियसली लाया जाए तो यंग लोग सुनना चाहते हैं और उसको उसके लिए उनको पसंद भी करते हैं और करना चाहिए कि यू नो कि लोगों को वो गाने जो क्लासिक्स हैं वो सुनने को मिलते हैं सारे के सारे. चलिए सर, जाते आते बस इतना जानना चाहूँगा क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में सिंगल म्यूजिक का दौर आ चुका है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं. सो और भी ऐसे आने वाले दिनों में जैसे याद किया कि आने लगी जी, दिव्या जी से जब मैं बात कर रहा था कि उन्होंने वो बोल रही थी कि हमने याद किया कि आने लगी पार्ट टू पर काम कर रही, तो अगर आप लोग कुछ बता सके और ऐसे या पार्ट टू में आप लोग भी काम कर रहे हैं या और आने वाले दिनों में ऐसे म्यूजिक वीडियो में और भी हमें देखने को मिलेंगे आप लोगों की, आप लोग के टैलेंट? नहीं ऑफ कोर्स, बट क्या बहुत अच्छी बात पता है क्या उभर के आ रही है कि हमारे जो दर्शक हैं क्योंकि उनको अब सोशल यूट्यूब इंटरनेट इसकी वजह से इन लोगों को पूरा वर्ल्ड का म्यूज़िक देखने को मिलता है. यू नो दे आर उन लोगों को जस्टिन बीबर, सेलिना गोमेज़ सब देख रहे हैं. तो अब अच्छी बात क्या हुई है ना कि जो सिंगर हैं खुद उन पे अगर हम लोग शूट करते हैं ना गाने तो पीपल आर रेडी टू सी, पीपल वॉन्ट टू सी, जिसने गाया है उसको ही देखना चाहते हैं वो अब, यू नो. सो वो एक अच्छा सा एक निकल के आ गया है. तो यू डोंट हैव टू ऑल द टाइम शूट प्रिटी फेसेस एंड दैट. सो जितने नए सिंगर्स हैं, जितने नए टैलेंट हैं, आई थिंक एक अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया विच इज़ गुड फॉर ऑल द न्यू सिंगर्स. एंड जहाँ तक याद पिया क्या लगी टू का सवाल है, वो तो अब जब हमने याद पिया क्या लगी वन किया था तो ऐसा सोचा नहीं था कि टू भी आ करेंगे. तो इस वक्त तो पता नहीं कुछ, राधिका जी को पता तो मुझे पता है. मुझे नहीं पता, दिव्या को बहुत पता है, उसे हमसे ज़्यादा खबर है क्योंकि वो आर्टिस्ट है तो उनको बहुत लोग पूछते रहते हैं हमेशा कि टू कब आ रहा है, टू कब आ रहा है, क्योंकि उनको वो तो फेस होते हैं ना तो उनको पूछते रहते हैं. चलिए मैडम, कुछ अपने फैंस के लिए कहना चाहेंगी जो बैक टू बैक डिकेड से लोग जो है आप लोग को इस तरह से प्यार दिए जा रहे हैं आपके गानों से, आपके कंपोज़र. वी जस्ट वांट टू थैंक देम कि जितना वो जब वो सपोर्ट करते हैं तो म्यूज़िक की सपोर्ट होती है. बिकॉज विनय एंड आई आर वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, यू नो अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स दे डोंट, वो फिल्मों के पीछे भागते रहते हैं. बट हम दोनों ने हमेशा ये डिसाइड किया हुआ है कि हम फिल्में तो करेंगे पर हम म्यूज़िक को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी हम अपनी फिल्मों को देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक इज़ जस्ट अ फ्लाई बाय नाइट थिंग जो हम लोग अपने ऑफ टाइम में करते हैं. तो वी बोथ आर वेरी पैशनेट एंड वी गेट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ वेन फैंस कम आउट एंड सपोर्ट एवरी एंडेवर दैट वी डू इन म्यूज़िक. सो वी वॉन्ट टू थैंक देम एंड वी वॉन्ट टू कीप सेइंग कि प्लीज़ आप म्यूज़िक को सपोर्ट करते रहिए. जब आप सपोर्ट करते हो तो हम जैसे लोग फिर म्यूज़िक पे इन्वेस्ट करते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं तो नए टैलेंट, नए लोग. एंड वी बोथ आर रियली वॉन्टिंग टू अपील टू फैंस कि एनी ऑफ यू आउट देयर हु इज़ अ ग्रेट भजन सिंगर, ग्रेट गज़ल सिंगर, डोंट बी रिस्ट्रिक्टेड कि बस पॉप ही पॉप करना है. बिकॉज वी बोथ आर रियली रियली लुकिंग आउट फॉर द जेन एक्स ग्रेट भजन सिंगर और अ ग्रेट गज़ल सिंगर. तो जो भी हमारी सुन रहा है अगर कोई बैठा हुआ है वहाँ तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें बिकॉज वी आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग विद भजन एंड डूइंग समथिंग विद गज़ल्स नाउ. तो दैट इज़ रियली वेयर वी आर रियली लुकिंग एट म्यूज़िक नेक्स्ट ईयर. तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं अगर कोई सुन रहा है तो नहीं बस यही कि जो अच्छा म्यूज़िक है उसको अपना प्यार दें और इस तरह से देखें क्योंकि जो लोग भी बनाते हैं, जिन्होंने भी ये बनाए हैं गाने हम लोगों के साथ में, देव पुट इन अ वेरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू इट. और सब लोगों से ये कहेंगे कि डोंट बी लाइक समबडी एल्स, इसकी तरह के नहीं बनिए, उसकी तरह के मत बनिए.
जो है वैसे ही रही है, यू नो। तो जैसे ध्वनि थी, हमने जब ध्वनि को लिया, ध्वनि किसी की तरह नहीं गाती है, उसकी खुद की आवाज़ है, उसकी खुद की वो है, खुद की पर्सनैलिटी है, यू नो। तो जो भी हैं सिंगर्स, टैलेंट, लिरिक राइटर्स, और ये किसी तरह से मत बनाइए, जो दिमाग में आए, दिल में आए, ऑनेस्टली वो करिए। एंड हम लोग तो हैं ही, एंड भूषण जी भी हमेशा हम लोगों के साथ यही कहते हैं कि कुछ भजन्स में करते हैं, कुछ गज़ल्स में करते हैं, कुछ नए लोगों के साथ करते हैं, यंग टैलेंट के साथ करते हैं। तो जो भी वहाँ पे हैं, प्लीज़ आइए और अच्छा म्यूज़िक साथ में बनाते हैं, अपना लेकिन ओरिजिनल और अपना आपका म्यूज़िक, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।